नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एस्ट्रोलॉजिकल गुरुजी में। और हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और साथ में ही बेल आइकन को दबाएं, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कई लोग कहते हैं कि हमें गुस्सा बहुत आता है, बहुत सोचते हैं कि गुस्सा ना करें, पर हर बात फेल हो जाती है। कसमें भी खाते हैं कि अब कभी गुस्सा नहीं करेंगे, पर फिर भी बहुत गुस्सा आता है। क्रोध एक ऐसी चीज है जो आपके प्यारे से प्यारे रिश्ते में भी जहर भर सकता है। क्रोध सबसे पहले आपके मन में जहर भरता है, आपकी जिंदगी में जहर भरता है, आपकी पूरी दुनिया में जहर भर जाता है। जो इंसान क्रोध करता है वह क्रोध करने से पहले भी दुखी रहता है, क्रोध करते समय भी दुख को पाता है और क्रोध करने के बाद भी दुखी होता है। कभी विचार करके देखना, क्या आपको क्रोध करने से कभी खुशी मिली, सुख मिला? क्या आप किसी इंसान को अलाउ करेंगे अपने ऊपर गुस्सा करना, क्रोध करना, कि हमें जो चाहिए बोल दे और जैसे चाहे बोल दे? कोई भी व्यक्ति किसी का भी क्रोध पसंद नहीं कर सकता, तो हमारे क्रोध को कोई क्यों स्वीकार करेगा, क्यों पसंद करेगा? एक व्यक्ति एक गुरुजी के पास गया और गुरुजी को जाकर बोला, गुरुजी मुझे बहुत क्रोध आता है और उस क्रोध की वजह से मेरे घर में सभी मुझे से खपा रहते हैं और उस क्रोध की वजह से मुझे भी ग्लानि और पश्चपात रहता है। मैं लोगों से नजरें नहीं मिला पाता, ऐसे ऐसे शब्द क्रोध में कह जाता हूँ कि जिनको बात में लौटाया नहीं जा सकता। याद रखना आप एक बात, जो भी शब्द आप क्रोध में आकर कह जाते हैं, हो सकता है कि आपको उनकी माफी मिल जाए, पर लोग उन शब्दों को भूलते नहीं। तो याद रखना, जो भी आप क्रोध में शब्द कहेंगे, उन शब्दों का सामना आपको भी जिंदगी भर करना पड़ेगा। तो उसने गुरुजी से कहा कि मैं परेशान हो गया हूँ, बहुत कोशिश करता हूँ पर गुस्से की आदत छोड़ती ही नहीं। गुरुजी ने कहा, एक काम करो, जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना, तो बस एक बात याद रखना कि गुस्सा मैं करूँगा पर कल, आज नहीं करूँगा। जब भी गुस्सा आए बस इतना संयम मन में रखना कि गुस्सा मैं करूंगा पर आज नहीं कल। उसने बोला, गुरुजी इससे थोड़ी ना गुस्सा शांत हो जाएगा, दूसरे दिन में तो गुस्सा करूंगा ना। गुरुजी ने कहा, ये करके तो देखो। वह घर गया, उसे किसी बात पर गुस्सा आया, पर उसे गुरुजी की बात याद आई, गुस्सा तो मैं करूंगा पर आज नहीं कल। कल तो दूर की बात है, थोड़ी ही देर बाद ही उसका गुस्सा शांत हो गया। याद रखना एक बात, गुस्सा एक धुएं की तरह है, एक बादल की तरह है, जो थोड़ी देर रहकर फिर आगे चला जाता है। बस वह थोड़ी देर हमको संयम साधना है, बस वह थोड़ी देर हमको कंट्रोल करना है। हम बर्दाश्त नहीं कर पाते चीजों को। ये लोग कहते हैं कि हम गुस्सा करते नहीं, लोग हमें गुस्सा दिला देते हैं। तुम कोई टीवी हो क्या? कोई उसने रिमोट कंट्रोल जैसा चैनल चलाया और सही प्रोग्राम देना शुरू कर दिया। लोग आजकल इतने हल्के क्यों हो गए हैं? कितना आसान हो गया है आजकल किसी को भी गुस्सा दिलाना और किसी को भी खुश करना, इतना मुश्किल क्यों हो गया है? क्योंकि हमारी एक गंदी आदत है, हम हर बुरी बात का ब्लेम दूसरों पर डाल देते हैं कि उसकी वजह से, अगर वो नहीं होगा तो कोई और होगा, या ऐसा हो कि आपके लिए कोई पूरी दुनिया ही बदल जाए, कोई दुनिया का एक एक इंसान बदल जाए, आखिर आपको गुस्सा ना आए, दुनिया की हर चीज बदल जाए, हर नियम बदल जाए, क्योंकि आपको गुस्सा नहीं आए। आपको फिर भी गुस्सा आएगा, क्योंकि वो आपके भीतर है। बाहर के लोग तो निमित्त बनते हैं उस गुस्से को बाहर निकालने के लिए, वो तो अपने भर ही रखा है अपने भीतर। पर जरूरत है खुद को पहचानने की, जानने की। जिस व्यक्ति को गुरुजी ने कहा कि गुस्सा कल करना, बस थोड़ी देर का संयम और गुस्सा गायब। कई लोग कहते हैं कि गुस्से को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, गुस्सा कोई रोकने वाली चीज थोड़ी ना है, जब आता है तो आ जाता है, फिर नहीं दिखाई देता कौन छोटा कौन बड़ा। आप गुस्सा सब दिखाई देता है, आप उसी पर ही गुस्सा करते हो जो आपसे कमजोर हो, जो आपसे छोटा हो। अपने बॉस के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, किसी पहलवान के ऊपर गुस्सा करके दिखाओ, जो आपसे शक्ति में ज्यादा हो और बल में ज्यादा, उस पे गुस्सा करो। गुस्सा हम कमजोर पर ही करते हैं। जो व्यक्ति हमसे बल में बड़ा है, पद में बड़ा है, शक्ति में बड़ा है,
वो चाहे कैसा भी गलत चले हमारे साथ, हम वहाँ पर गुस्सा नहीं आता हमें, क्योंकि पता है कि हमें नुकसान हो जाएगा। इसका मतलब गुस्सा भी हम चॉइस के साथ करते हैं कि इस पे गुस्सा करना है किस पे नहीं करना है। तो याद रखे एक बात कि गुस्सा आपकी चॉइस है, आप चाहे तो गुस्सा करें और आप चाहें तो उसको गुस्से को रोक सकते हैं, पर जो हमसे शक्ति में बड़ा है उसके सामने हम गुस्सा नहीं पाते, और जो हमसे कमजोर है उसे हमें शक्ति दिखाते हैं। कुछ बातें तो हमने ऐसी भी सुनी है कि गुस्से में आकर कई लोग हिंसा भी करते हैं, कई पति लोग अपने पत्नियों पर हाथ उठाते हैं। कितनी गलत बात है, जो व्यक्ति अपने ही परिवार के सदस्यों पर हिंसा करे उसे मनुष्य कैसे कहा जा सकता। हमारी एक प्रार्थना सभी माताओं बहनों से है, आप भी अपने जीवन में हिंसा का विरोध कीजिए, चुप करके मत सहिए। जब आपके साथ पहली बार ऐसा हो तभी रोक दीजिए, इससे आदत मत बनने दीजिए। अपनी शक्ति आप खुद बनिए, ऐसे बहुत सारी बातें सुनते हैं, बहुत माताओं बहनों पर अत्याचार भी होता है। इसे इंतजार में मत बैठे रहिए कि कोई आएगा आपकी रक्षा के लिए, सबसे पहले आप खुद की रक्षा खुद करना सीखिए। पहली बार में ही विरोध कीजिए, रुकिए कि नहीं ये चीज हम नहीं सहेंगे, हम हिंसा नहीं सह सकते। कुछ कुछ तो ऐसे भी किस्से सुने हैं, इतना दर्द है उनमें जिन्हें बयां भी नहीं किया जा सकता, कैसे लोग इतने निर्दयी हो सकते हैं। तो आप इस चीज का विरोध कीजिए, इसे सहिए मत। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सिर्फ क्रोध करने वालों को ही नहीं, उसकी पूरी दुनिया को जला डालते हैं, उसकी पूरे परिवार को जला डालते हैं। क्रोधी इंसान के साथ रहना साक्षात नरक में रहने के समान है। एक घर में एक सास अपने बहू पर बहुत क्रोध करती थी, बहुत गुस्सा करती थी। बहू बेचारी चुप करके सब सहती थी, पर वह बहुत परेशान और दुखी रहने लगी। सोचने लगी, आखिर कब तक सहूंगी मैं, कब इन बातों का अंत होगा। एक दिन उसके शहर में एक महात्मा आए, उसने महात्मा को सारी बात बताई। महात्मा ने कहा कि जब तुम्हारी सास तुम पर गुस्सा करे ना, तुम उसकी आवाज रिकॉर्ड कर लेना, और जब भी दूसरी बार गुस्सा करने लगे, क्रोध करने लगे, तो उसकी वह रिकॉर्डिंग उसके सामने चला देना। वह बोली ठीक है। उसने वैसा ही किया, उसकी सास ने जैसे ही गुस्सा किया उसकी सारी रिकॉर्डिंग कर ली। दूसरी बार जैसे ही उसकी सास गुस्सा करने लगी वह रिकॉर्डिंग चला दी, और उस आवाज को सुनकर उसकी सास को बहुत अजीब लगा। उसने अपने बहू से पूछा, ये कौन है, इतनी गंदी आवाज, इतने गंदे गंदे शब्द कौन बोल रहा है, किसकी आवाज है ये, इतने गंदे शब्द है मेरे कानों में चुभ रहे हैं, कौन है ये, मुझे क्यों सुना रही हो ये। उसकी बहू ने बोला कि ये आपकी ही आवाज है और ये सारे शब्द भी आपके हैं। जब उसकी सास ने वह पूरी रिकॉर्डिंग सुनी उससे बड़ा अफसोस हुआ कि इतनी गंदी आवाज, इतने बुरे शब्द मैंने मेरे मुंह से निकले। उस दिन उससे गलती का एहसास हुआ। रिश्ता चाहे कोई भी हो, सास बहू का, पति पत्नी का, पर जहां क्रोध आ जाता है वहां घटास आ जाती है, वहां लोग खुश नहीं रह पाते। कई लोग कहते हैं कि फिर मैं किसी को कुछ कह ही नहीं, जिसको जैसी मर्जी करने दें, बच्चों को भी कहना छोड़ दें। नहीं, परमात्मा ने आपको विवेक दिया है, बातों को समझें कि कौन सी बात किस विषय में की जा रही है। ये बात खासकर उन लोगों के लिए है जिनके जीवन में क्रोध की वजह से जहर भर गया है। यदि आपके बच्चे गलत रास्ते पर जाते हैं तो आपका फर्ज है उन्हें समझाना। किसी की भलाई के लिए थोड़ा ऊपर से गुस्सा दिखाने में कोई बुराई नहीं है। गुस्सा और क्रोध ये दोनों अलग चीजें हैं। आपने गुस्सा किया, उस टाइम बात बोली, वही बात पूरी हो गई। क्रोध एक ऐसी अग्नि है, आप पहले भी जलते हैं, क्रोध करते टाइम भी जलते हैं और बाद में भी जलते हैं। वही बातें आपके मन में चलती रहती है, तो उन बातों को सुधारना है। यदि आपको अपने लिए, आपके परिवार के भलाई के लिए कभी थोड़ा गुस्सा करना पड़ा, बोलना पड़ा, तो कोई बात नहीं, बात बोल दी, बात खत्म। पर उन बातों को दिल पर बैठाकर मत रखिए, उसको क्रोध की अग्नि मत बनाइए, बातें बोलकर आगे बढ़ जाइए। ना आप किसी का क्रोध सह सकते हैं, ना कोई आपका क्रोध सहना पसंद करेगा, तो क्यों आपने इस जहर को अपनी जिंदगी में पाल रखा है।
और जितना इस बीमारी को पालेंगे वो इतना ही बढ़ती चली जाएगी। फिर आपका दिल दुखाएंगे और अपने परिवार का भी दिल दुखाएंगे, खुद की नजरों से भी गिर जाएंगे और सबकी नजरों से भी गिर जाएंगे। तो छोड़िए इस बीमारी को, जब भी गुस्सा आए ना तो याद रखना एक बात कि आज नहीं कल करेंगे, बस वो थोड़ी देर का संयम आपके मन से उस क्रोध की अग्नि को शांत कर देगा। थोड़ा तो संयम रखना सीखिए, थोड़ा तो अपने जीवन को संवारना सीखिए। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिखें। धन्यवाद दोस्तों।